हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा सिंह आज बनाऊंगी बेसन के लड्डू। ये खाने में बड़े बढ़िया लगते हैं और आप इनको कभी भी बना करके खा सकते हैं। इसके लिए जो मेरे को सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। मैंने ये मोटा बेसन लिया है। ये लड्डू का बेसन अलग से मिलता है मार्केट में। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसमें थोड़ी सूजी मिक्स कर सकते हैं या थोड़े से बेसन में भूनते समय दूध के छींटे डाल सकते हैं। मैंने मोटा बेसन लिया है, लगभग 1.5 कटोरी। जितना आपको लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से आप बेसन की मात्रा लीजिए। और घी मैंने 1/2 कटोरी लिया है। यदि कम पड़ेगा भूनते समय तो मैं और डालूँगी। चीनी मैंने 1 कटोरी ली है। यदि मैं देखूँगी कि मुझे फीका लग रहा है लड्डू, तब मैं थोड़ी सी चीनी और मिक्स करूँगी। ये मैंने टगार लिया है, यानी कि बूरा। सजाने के लिए थोड़े से पिस्ता लिए हैं मैंने कटे हुए, और खरबूजे की गिरी और छोटी इलायची पिसी हुई। अब हम सबसे पहले बेसन को भूनेंगे। सबसे पहले मैं घी डाल रही हूँ। अब हम इसमें ये बेसन डालेंगे। जिस तरह से मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ, इसी तरह से आप आटे के लड्डू भी बना सकते हैं। रेसिपी सेम है, लेकिन आप उसमें थोड़ी मेवा बढ़ा सकते हैं, जैसे बादाम, गोंद, खरबूजे की गिरी, पिस्ता, मखाने, ये सब आप आटे के लड्डू में मिला सकते हैं। लेकिन बेसन के लड्डू में मुझे सिर्फ खरबूजे की गिरी और छोटी इलायची का पाउडर ही अच्छा लगता है। वैसे आपकी इच्छा है कि आप इसमें बादाम भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बेसन हम हमेशा धीमी आग पे भूनना चाहिए, जिससे कि ये धीमी धीमी आग में जब भुनेगा तो इसका एक एक दाना अच्छे से भुनेगा। ये देखिए, मैं बेसन भून रही हूँ। मुझे घी कम लगा था तो मैंने इसमें 2 बड़ा चम्मच घी और डाला है, और अब मैं इसको आराम से भून रही हूँ। आप देखिए कि इसमें मैंने घी डालने के बाद जो है बेसन वो किस तरह का हो जाना चाहिए। अगर घी कम होता है तो बेसन के लड्डू बांधने में परेशानी होती है। अब हम इसको लगातार चलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पर भूनेंगे, और जब ये भून जाएगा तब हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए, बेसन ने फुलावा डालने लगी है, और मैं इसी समय ये खरबूजे की गिरी और छोटी इलायची का पाउडर इसमें मिक्स कर दूँगी, जिससे कि बेसन के साथ खरबूजे की गिरी भी भुन जाए। ये देखिए, बेसन में से खुशबू भी आने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं गैस बंद करके थोड़ी देर इस कढ़ाई में ही इसको रखा रहने दूँगी, ताकि जितनी गर्माई है कढ़ाई की उसमें ये थोड़ा सा और भून जाए, क्योंकि रखने के बाद भी बेसन थोड़ा गर्मी से, घी की गर्मी से और कढ़ाई की गर्मी से भुनता रहेगा। फिर हम इसको एक परात में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस मैं बंद कर चुकी हूँ और इसको लगातार चला रही हूँ। अब मैं इस बेसन को एक परात में ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। जब ये बहुत हल्का सा गर्म रह जाएगा तब हम इसमें बूरा छान करके मिलाएंगे। गर्म में मिलाएंगे तो हमारा बूरा पिघल जाएगा और लड्डू हमारे नहीं बन पाएंगे। इस तरह से इसको फैला करके रख रही हूँ, जिससे जल्दी ये ठंडा हो जाए। ये देखिए, ठंडा होने के बाद बेसन का कलर कितना बदल गया है। अब मैं इसमें ये बूरा थोड़ा थोड़ा करके छान करके मिलाऊंगी, क्योंकि जो बूरे में थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ होती हैं वो आ जाती हैं नहीं तो, इसलिए हमको इसको छानना चाहिए। कोई भी लड्डू बनाएं आप, बूरा हमेशा छान कर ही डालें। अब हम इस बूरे और बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे।
जब मिक्स करते हैं तो इस तरह से मिक्स करते हैं जिससे कि बेसन के दाने और बूरा आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने बूरे और बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं अपने मनपसंद आकार के लड्डू बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से आप इसको बना लीजिए, अपनी मनपसंद आकार के बनाइए, छोटे या बड़े। मैं थोड़े छोटे साइज के ही बनाऊंगी क्योंकि आजकल सभी मीठा कम खाना पसंद करते हैं। ये देखिए, मैं दोनों हाथों से भी बना लेती हूँ, आप भी बना लें तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, कोशिश करती हूँ कि एक ही साइज के बने। इस तरह से मैं सारे बेसन के लड्डू तैयार कर लूँगी और फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पिस्ता लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने लड्डू बना लिए हैं, अब मैं इसके ऊपर इस तरह से पिस्ता लगाया है। बाकी लड्डू मैं लगा चुकी हूँ, इस पर मैं एक आधा पीस और लगा रही हूँ। हल्का सा दबाव देना है और ये लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरी चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।